असद साहब, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जहांगीर तरीन साहब के चले जाने से पार्टी कमजोर हो जाएगी। क्या सर पार्टी इतनी कमजोर है कि एक शख्स के जाने से पार्टी कमजोर हो जाएगी? क्या खिदमात क्या है उनकी पार्टी के लिए जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि उनकी वजह से पार्टी कमजोर हो जाएगी? देखिए, जहांगीर तरीन साहब जो है ना, एक बहुत ऑर्गेनाइज आदमी है। उसकी एक्सपर्टी है, खासकर उसकी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्सपर्टी है। और पीटीआई के लिए उसने जो थोड़े अरसे में जो मेहनत की और जो स्ट्रगल की, हम इसको अप्रिशिएट करते हैं। हम समझते हैं कि उसने खान का बहुत भरपूर साथ दिया, उसने धरने में साथ दिया, उसने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में बहुत बुनियादी किरदार अदा किया। मैं समझता हूँ कि तरीन साहब जो है ना, ये पीटीआई का असासा है। लेकिन हम इसके बावजूद जो भी है, हम अदालत के फैसले का एहतराम करते हैं। राइट, अच्छा साहब, मुझे ज़रा थोड़ा सा तफसीली जवाब चाहिए जो मैं सवाल आपसे करने जा रहा हूँ। ये क्या वजह क्या है कि बहुत सारे अहम फैसलों में खान साहब बहुत से अहम शख्सियात को एतमाद में नहीं लेते, बहुत से अहम रहनुमाओं को एतमाद में नहीं लेते हैं? क्या वजह है इसकी? मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखें कि मुसलसल हमारी CC की मीटिंग हो रही है, हमारे कोर ग्रुप्स की मीटिंग हो रही है। इतनी मीटिंग तो किसी पार्टी की भी नहीं होती जितनी हमारी पार्टी की होती है। और हम तो रोज़ाना हर हफ्ते में हमारी मीटिंग होती है, एक एक छोटी छोटी इशू भी खान साहब हमें बुलाते हैं, हमारे साथ डिस्कस करते हैं, हमारे साथ मशवरा करते हैं। मुझे बताएं कौन सी ऐसी पार्टी है जो इसकी इतनी ज़्यादा मशावरती इजलास होते हैं? तो हमारी पार्टी में तो मशावरत का एक बहुत मौसर निज़ाम है। और ये बिल्कुल गलत है कि कोई लोगों को इतमाद में नहीं दिया जाता, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है और सब जो है ना भरपूर किरदार अदा करते हैं पार्टी के फैसलों में।